नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई भी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आपसे कितनी तरह की परमिशंस मांगता है? क्या ये सारी परमिशंस इन ऐप्स के लिए ज़रूरी है या फिर इन परमिशंस के आड़ में ये ऐप अपने यूज़र को ठगने का काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन क्यों किया? आइए इन सारे सवालों के जवाबों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आप जब कोई ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उस ऐप को वर्क करने के लिए आपके मोबाइल के सर्वर से डेटा एक्सेस की कुछ परमिशंस लेनी पड़ती है, पर कुछ ऐप्स ऐसी है जो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा परमिशंस मांग लेती है। तो ये ऐप इन परमिशंस के साथ आखिर करती क्या है? दरअसल आज के इस डिजिटल दौर में डिजिटल इकोनॉमी के लिए डेटा बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है, और हाल फिलहाल पूरी दुनिया में जो माहौल बना उसके बाद जब अध्ययन हुए तो ये बात निकल कर सामने आई कि ज़्यादातर चाइनीज ऐप्स ऐसी है जो डेटा एक्सेस के लिए बाकी ऐप्स के मुकाबले कई ज़्यादा परमिशंस आपसे मांग लेती है, और इनमें से ज़्यादातर परमिशंस ऐसी होती है जिनका ऐप के वर्किंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये परमिशंस ये ऐप्स क्यों मांगती है, आइए डेटा के इस खेल को ज़रा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आप जहाँ कहीं से भी ये ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ इन ऐप्स द्वारा मांगी जाने वाली परमिशंस का डेटा मेंटेन किया जाता है, और प्ले स्टोर से प्राप्त इन जानकारियों के अनुसार चाइनीज ऐप्स आपके मोबाइल से डेटा एक्सेस की जो परमिशंस मांगती है वो चौंका देने वाली है। एक जर्मन ऐप है डब स्मैश, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये ऐप जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे 19 तरह की परमिशंस मांगता है, लेकिन वही जब आप चाइनीज कंपनी का ऐप टिकटॉक अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे तकरीबन 30 तरह की परमिशंस मांगता है, और इनमें कुछ परमिशंस ऐसी होती है जिनकी मदद से ये ऐप बड़ी ही आसानी से आपके मोबाइल की संवेदनशील डेटा को एक्सेस कर सकता है। और यही नहीं, ये ऐप आपके नेटवर्क और GPS की मदद से आपके लोकेशन की जानकारी भी लगातार आपसे मांगता रहता है। जबकि इसी के जैसा एक ऐप है फनीमेट, जो आपसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगता और सिर्फ 13 परमिशंस मांगता है। हेलो एक और चाइनीज कंटेंट शेयरिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, आपने इस ऐप का नाम जरूर सुना होगा और आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड भी किया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने गौर किया कि जब आप इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे थे तो इसने कितनी तरह की परमिशंस मांगी? ये ऐप अपने यूजर से तकरीबन 39 तरह की परमिशंस मांगता है, और ये ऐप भी आपसे आपकी GPS के जरिए आपके लोकेशन का डेटा लगातार मांगता रहता है। तो इस आपके इस डेटा के साथ होता क्या है? दरअसल आपका ये डेटा स्टोर किया जाता है इन ऐप्स के मेन सर्वर्स में जो चाइना में है, और चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक चाइना की जितनी सारी कंपनीज है उनको अपना डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ साझा करना पड़ता है। मतलब ये कि आपका डेटा जाकर सीधा चाइना में स्टोर हो रहा है और चाइना उसका जैब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। आज से 3 साल पहले मतलब 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक एडवाइजरी में कहा था कि 40 ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं जो आने वाले समय में साइबर अटैक का हिस्सा बन सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की नज़रिए से इस एडवाइजरी को बहुत अहम माना गया, और इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने साइबर प्रोविजंस में बदलाव करते हुए अपनी साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत किया। हाल ही में चीन से जारी तनातनी के बीच महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा जारी खबर के अनुसार 21 से 26 जून इन 5 दिनों में इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर पर तकरीबन 40,000 फेल्ड साइबर अटैक्स हुए, और इस घटना के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि इन साइबर अटैक्स में जो डेटा इस्तेमाल हुआ वो चाइनीज ऐप्स द्वारा स्टोर डेटा इस्तेमाल हुआ। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने तमाम ऐसी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया जिनके प्राइवेसी पॉलिसी पर कोई भी क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी चाइनीज कंपनी पर डेटा चोरी के इल्ज़ाम लगे हैं। 2017 में चाइनीज कंपनी हुआई का एक स्कैंडल अमेरिका में जासूसी करता पकड़ा गया, जिसके बाद ANTA ने हुआई कंपनी के मोबाइल्स और अन्य किसी भी डिवाइस पर अमेरिका में बैन लगा दिया। कोविड क्राइसिस के पीरियड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म रहा जूम ऐप, लेकिन जब NHS और SpaceX जैसे बड़े संगठनों ने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पर जब सवाल उठाए तो भारत सरकार ने भी
इसके उपयोग पर रोक लगा दी। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी आप ये ऐप इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐप आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हित से पहले राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं तो तमाम ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि चाइनीज ऐप्स को भी अवॉइड कीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर राष्ट्र सुरक्षित तो आप